इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होना है अगर थ्री डायमेंशन में देखो थ्री डायमेंशनल है एक्स ये वाई कोऑर्डिनेट सॉरी वाई एक्सिस ये हमारा जेड एक्सिस ठीक है। अगर इसमें दो बिंदु दे रखे हैं एक बिंदु दे रखा है ए दूसरा बिंदु दे रखा है बिंदु बी इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन है इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू और जेड टू ठीक है ना। तो 12.2 में हम क्या निकालेंगे दूरी निकालेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ठीक ना। तो सिंपल फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे दूरी के लिए ठीक दूरी डी बराबर जाएगा रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन सॉरी जेड टू माइनस जेड वन का डिस्टेंस ऑफ ठीक है। जैसे मैं दूरी सूत्र पढ़ा था ना तो कार्टेशियन फॉर्म में दो बिंदु रूप में हमने दूरी सूत्र पढ़ा था इसमें तीन बिंदु है तो इसमें क्या है जेड इंक्लूड कर लेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे हो सकता है कि तीन बिंदु दे रखा हो और हमसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु जो है वो संरेख है ठीक ना। तो तीन बिंदु अगर जैसे मान लो यहाँ पे तीन बिंदु दे रखा है ए बी और सी ए बी सी और हमसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी सी जो है वो संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। जब ये एक ही रेखा पर स्थित होगा तो उस कंडीशन में ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा ए सी के बीच की दूरी ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा टोटल दूरी के बराबर। लेकिन संरेख में तो इक्वल जीरो होता है वो क्षेत्रफल जीरो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक ना। यहाँ पे फोर चार क्वाड्रेंट तीन क्वाड्रेंट है ना तो इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगेगा ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पे हमें क्या निकालना है समदूरस्थ है समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होगा ठीक। चलो आ जाओ एक्सरसाइज पे ये दूरी कौन मतलब इसमें कॉन्सेप्ट है पहले वाले सवाल सब ऐसे ही है ठीक ना सिंपल है खत्म करते एक्सरसाइज जस्ट निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला है दो तीन पांच तीन और चार पांच और चार तीन एक कह रहे कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। सिंपल दूरी b इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का बताओ z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखो यहां पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है नेगेटिव में आएगा तो भी किस में जाएगा प्लस में आएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट ऑफ देखो ये हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू और जेड टू। देखो एक्स टू कितना है चार तो चार माइनस दो का स्क्वायर प्लस तीन माइनस तीन का स्क्वायर प्लस एक माइनस पांच का स्क्वायर ठीक है। अच्छा चार माइनस दो कितना है दो का स्क्वायर कितना जाएगा चार प्लस जीरो प्लस कितना बचेगा यहाँ पे चार चार का स्क्वायर कितना जाएगा सोलह तो जाएगा बीस बीस का रूट ठीक बीस का रूट जाएगा दो रूट पांच पांच चार पंजे बीस चार का स्क्वायर रूट कितना जाएगा ठीक है ना। अच्छा इसका सेकंड पार्ट देखो माइनस तीन कॉमा सात कॉमा दो और दो कॉमा चार कॉमा माइनस और दो कॉमा चार कॉमा माइनस एक तीन कॉमा सात कॉमा इसमें दूरी निकालेंगे सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे दूरी डी बराबर रूट ऑफ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन इसको एक्स वन वाई वन जेड वन ले लो एक्स टू वाई टू और जेड टू। देखो एक्स टू माइनस एक्स वन तो दो माइनस माइनस का थ्री है तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस वाई वन
चार माइनस सात का स्क्वायर जेड टू माइनस ठीक जेड टू माइनस जेड वन तो प्लस माइनस का वन माइनस का टू का स्क्वायर ठीक है तीन और तो कितना जाएगा पांच पांच का स्क्वायर पच्चीस कितना बचेगा तीन तीन का स्क्वायर कितना जाएगा नौ ये जाएगा तीन तीन का स्क्वायर नौ क्योंकि माइनस का आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो किसमें जाएगा नौ नौ अठारह अठारह और पच्चीस कितना जाएगा तिरालीस फोर्टी थ्री ठीक है कर लो के बाकी इसके दोनों पार्ट दूसरा करा दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ठीक है इसके दोनों पार्ट कर लेना बिंदु दूरी निकालना देखो बिंदु कह रहा है कि सनरेख है माइनस दो कॉमा तीन कॉमा पांच दूसरा है एक कॉमा दो कॉमा तीन और तीसरा है सात कॉमा जीरो कॉमा माइनस का एक कह रहे कि तीनों बिंदु संरेख है ये सिद्ध करो तीनों बिंदु संरेख है ये सिद्ध करो इसको ले लो ए ये बी और ये सी सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं फिर बीसी की डिस्टेंस निकालते हैं और एसी की डिस्टेंस निकालते हैं अब जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा और वो दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर है तो क्या जाएगा संरेख ठीक है यहाँ पे ए बी बराबर ए और बी के बीच की दूरी ए बी का मतलब ए बी के बीच की दूरी यहां पर लिख दो दूरी ए बी बराबर दो इसमें से इसको माइनस कर दो तो एक प्लस दो का स्क्वायर क्योंकि माइनस का है माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस दो माइनस तीन दो माइनस तीन का स्क्वायर प्लस तीन माइनस पांच का स्क्वायर ठीक है फॉर्मूला वही है अच्छा नौ प्लस का एक प्लस का चार पांच में से तीन घटेगा चार चार का स्क्वायर सॉरी दो बचेगा दो का स्क्वायर चार हो जाएगा नौ दस दस और ये जगह चौदह रूट ऑफ चौदह अच्छा दूरी बीसी निकालते देखो बीसी सी में से बी को माइनस कर दो तो सात में से एक माइनस कर दो कितना छह का स्क्वायर जीरो में से दो माइनस कर दो तो क्या आएगा दो दो का स्क्वायर माइनस एक में से तीन माइनस करोगे तो माइनस का चार का स्क्वायर माइनस का चार आएगा ना माइनस का एक माइनस का तीन माइनस का चार किया जाएगा छत्तीस प्लस चार प्लस सोलह कितना है भाई नहीं स्क्वायर है ना प्लस का जाएगा तो ये जो सोलह चार बीस बीस और छत्तीस कितना जाएगा छप्पन का स्क्वायर रूट कितना चौदह चौक छप्पन होता है तो चार का स्क्वायर रूट कितना जाएगा दो तो दो रूट चौदह अरे वैसे चौदह चौक छप्पन चार चार का स्क्वायर रूट कितना आएगा दो अच्छा दूरी एसी ए और सी के बीच की दूरी निकालो देखो इसमें ए में सी में से एक को माइनस करो तो सात माइनस का दो तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस तो सात प्लस दो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस तीन का स्क्वायर प्लस माइनस का एक माइनस का पांच पांच प्लस का है तो माइनस का एक माइनस का पांच का स्क्वायर ठीक है तो यह जाएगा सात और सौ कितना जाएगा नौ नौ का स्क्वायर कितना जाएगा कैसी प्लस नाइन ठीक और यहाँ पांच और कितना जाएगा छह छह का स्क्वायर कितना जाएगा छत्तीस तो इक्यासी और नौ कितना जाएगा नब्बे नब्बे और छत्तीस एक सौ छब्बीस एक सौ छब्बीस तो देखो एक सौ छब्बीस जो है चौदह निम एक सौ छब्बीस होता है चौदह निम एक सौ छब्बीस होता है तो नौ नौ का स्क्वायर रूट कितना आएगा तीन तो बराबर जगह तीन रूट चौदह देखो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे चौदह को और दो रूट चौदह तीन रूट चौदह जाएगा तीन रूट चौदह इसके बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे अतः ए सी बराबर बी सी प्लस ए बी आ रहा है बराबर आएगा ना क्योंकि तीन और एक दो और एक तीन और ये भी तीन है ठीक तो क्या जाएगा ये संरेख लिख देंगे अतः बिंदु संरेख है मतलब क्या होता है परे 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 ही क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए मैं प्रूफ करना है यहाँ पे दे रखा है कि जीरो कॉमा सात कॉमा माइनस दस आगे सर जी
वेरी इजी क्वेश्चन है ठीक। और 1.6-6 और 4.9 माइनस का प्रॉपर्टी। हाँ मैं जानता हूँ क्या प्रॉपर्टी। एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। जब एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष दे रखा है इसका मतलब एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो एबीसी की वजह से मिलकर क्या बनाएगा त्रिभुज ए बी सी। कह रहे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। या तो वो ए बी ए सी के बराबर हो सकता है या ए सी बी सी के बराबर हो सकता है या ए बी सी के बराबर हो सकता है। तो वो निकालने के बाद पता चलेगा कौन किसके बराबर है। तो सबसे पहले तीनों भुजाएं निकाल देते हैं, ठीक है ना। ए बी निकाल दें, ए बी बराबर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, ठीक है। संभव संभव त्रिभुज हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर है। देखो एक माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस छह माइनस सात का स्क्वायर प्लस माइनस का छह माइनस का दस, तो माइनस का छह प्लस का दस का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, ये माइनस है और ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पे वन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, ठीक। डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर कितना जाएगा एक, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा तो एक हो जाएगा, यहाँ बचेगा चार, चार का स्क्वायर कितना जाएगा सोलह, जाएगा अठारह, ठीक। अच्छा नेक्स्ट हम निकालते हैं बीसी, तो बीसी बराबर रूट ऑफ एक्स टू, इसे भी फॉर्म यूज करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, चार माइनस एक का स्क्वायर प्लस नौ माइनस छ का स्क्वायर प्लस छ माइनस छ माइनस का छ प्लस का छ, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो छह से छह कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा जीरो, यहाँ बचेगा तीन, तो तीन का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा तीन, तीन का स्क्वायर तो कितना जाएगा ये नौ नौ अठारह। तो ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर क्या जाएगा ए बी। जब बराबर ए बी है मतलब बी सी बराबर ए बी आ गया ना, अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या जगह लिख देंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज सर, अगर आप ये काम पेपर में करके आते हैं तो नंबर तो उतना ही देगा। हाँ बिल्कुल उतना देगा। अगर सर एज निकाल दे तो सर जी आप पूरा एसी हम निकाल लें तो एसी निकालेंगे वो फायदा नहीं है। हमसे तो ये सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि एबीसी जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु है, तो यहाँ पे एबी और एसी बराबर आ गया, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है आपस में बराबर। सर जी भुजाएं तो तीनों निकालनी पड़ेगी ना, जरूरी नहीं है। चलो अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप निकाल सकते। तो सर जी कृपया ये बताइए संपूर्ण त्रिभुज के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी। संपूर्ण त्रिभुज के लिए प्रॉपर्टी है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करना चाहिए, ये भी ठीक है ना। देखो इसमें दे रखा है ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 0.7.10 और दे रखा है माइनस 1.6.6 और दे रखा है माइनस का 4.9.6 ए बी सी। कह रही है संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष है, संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष के लिए कंडीशन है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करना चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है तो उसका मतलब हमारा त्रिभुज जो है वो कैसे होगा संपूर्ण होगा, ठीक है। यस सर चलो नाउ तो स्टार्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में ए बी निकालते साइड, तो ए बी हो जाएगा रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, इसमें से इसको माइनस कर दो माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर, छह में सात को माइनस कर दो छह माइनस सात का स्क्वायर, छह में से दस को माइनस कर दो प्लस दस छह माइनस दस का स्क्वायर सॉल्व एट वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा वन, वन का स्क्वायर वन और यहाँ पे कितना बचेगा चार, चार का स्क्वायर कितना जाएगा सोलह, सॉल्व करो दे जाएगा रूट ऑफ एटी, ठीक क्लियर है। नाउ बी सी रूट ऑफ सेम फॉर्मूला ही एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक चार माइनस का एक तो माइनस का चार माइनस माइनस का जाएगा प्लस, ठीक नौ में से छह कटेगा तो नौ माइनस छह का स्क्वायर, ठीक है, और छह में से छह कटेगा तो प्लस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर। नौ देखो ये हो जाएगा हमारा कितना तीन, तीन का स्क्वायर नौ, यहाँ पे बचेगा कितना तीन, तीन का स्क्वायर नौ, तो कितना जाएगा रूट ऑफ एटी, ये भी इक्वल आ गया, ठीक है ना। नौ ए सी, तो ए सी इक्वल टू जाएगा रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन,
चार माइनस का जीरो, तो माइनस का चार माइनस का जीरो का स्क्वायर प्लस नौ में से सात घटा दो तो नाइन माइनस सेवन का स्क्वायर और छह में से दस का घटा दो सिक्स माइनस टेन का स्क्वायर दो, ये जो चार चार का स्क्वायर सोलह प्लस यहाँ बचेगा दो दो का स्क्वायर चार और यहाँ बचेगा चार चार का स्क्वायर सोलह ठीक है, तो ये जगह तुम्हारा कितना छत्तीस 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 का जगह छ जाएगा छ ठीक है। देखो यहाँ से ए बी का स्क्वायर निकालो, ए बी का स्क्वायर आएगा अठारह, यहाँ से बी सी का स्क्वायर निकालो कितना आएगा अठारह और यहाँ से ए सी का स्क्वायर निकालो कितना आएगा छत्तीस ठीक है। अब जो लंबी भुजा है हाँ बताओ सर वो उसमें चार का सही आंसर सोलह आया उसका यहाँ पे सर उसका नीचे रहा पार्ट आंसर ये सोलह कैसे है देखो माइनस चार में से जीरो घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का चार बचेगा तो चार का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा सोलह, यहाँ पे नौ में से सात घटाओगे तो कितना बचेगा दो, दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा चार ठीक ना, और यहाँ पे चार बचेगा ठीक। अब देखो यहाँ पे अठारह और अठारह को जोड़ेंगे तो कितना आएगा छत्तीस, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बाकी तो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो यहाँ पे वेरीफाइड है ठीक है। एसी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 18 प्लस 18 बराबर कितना आएगा 36 और ए सी का स्क्वायर कितना है 36, तो लिखेंगे आता है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया सर जी, ए सी का स्क्वायर ए बी और बी सी के स्क्वायर के बराबर है ना, हाँ समान अर्थ किया है। देखो थर्ड का थर्ड पार्ट है इसमें दे रखा है चार बिंदु दे रखा है और कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसमें आएगा मजा पूरा, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में एक कॉमा एक दो कॉमा एक दे रखा है ठीक, एक कॉमा माइनस दो कॉमा पांच और चार कॉमा माइनस सात कॉमा आठ और दो कॉमा माइनस तीन कॉमा चार, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, हमें बताने की समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ठीक है। देखो अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो कंडीशन है समांतर चतुर्भुज में कहते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है ठीक है, तो हम दिखाते बी ये सी और ये तो हम ए बी निकालेंगे बी सी निकालेंगे सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे ठीक है, तो ए बी बराबर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाय वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, साथ में करते रहो ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वन माइनस वन तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस का स्क्वायर, तो माइनस का दो प्लस माइनस दो माइनस का दो का स्क्वायर पांच माइनस का एक का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो एक प्लस एक का स्क्वायर कितना जाएगा, ये हो जाएगा दो, दो का स्क्वायर कितना चार माइनस दो कितना जाएगा चार माइनस का माइनस चार का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा प्लस का सोलह और पांच माइनस एक चार, चार का स्क्वायर कितना जाएगा सोलह, जोड़ दोगे तो कितना आएगा ये छत्तीस, छत्तीस का स्क्वायर कितना जाएगा छ ठीक है। अब निकालो बीसी, बीसी एक्स टू माइनस एक्स वन चार माइनस एक का स्क्वायर प्लस माइनस के साथ माइनस का दो, तो माइनस सात प्लस का दो क्योंकि माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा ये, अच्छा प्लस एट माइनस का पांच, एट माइनस पांच का स्क्वायर, देखो चार माइनस एक का स्क्वायर कितना जाएगा चार माइनस एक कितना तीन, तीन का स्क्वायर नौ प्लस सात में से दो घटेगा तो कितना पांच, पांच का स्क्वायर पच्चीस प्लस यहां पर चाहिए तीन, तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, तो नौ नौ अठारह, अठारह और पच्चीस कितना तैतालीस, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा रूट फोर्टी थ्री। अच्छा सी डी निकालते हैं, तो सी डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन दो माइनस चार का स्क्वायर प्लस माइनस का तीन माइनस का सात, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस का स्क्वायर और जाएगा प्लस का चार माइनस का आठ का स्क्वायर ठीक है। तो देखो ये जाएगा चार माइनस दो, दो का स्क्वायर कितना जाएगा चार, तीन माइनस का प्लस का सात, चार चार का स्क्वायर जाएगा सोलह प्लस ये जाएगा चार, चार का स्क्वायर कितना जाएगा सोलह, माइनस का चार होगा ना स्क्वायर प्लस का जाएगा
तो ये जाएगा 36, 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 6। अच्छा अब निकालते हैं एडी। एडी बराबर जाएगा रूट ऑफ, रूट ऑफ डी में से एक को माइनस करना है, दो माइनस दो प्लस माइनस माइनस प्लस ठीक, माइनस का तीन प्लस माइनस का तीन और माइनस का दो का स्क्वायर प्लस चार माइनस का एक, चार माइनस एक का स्क्वायर तो जाएगा रूट ऑफ नौ, नौ प्लस पच्चीस प्लस पच्चीस प्लस नौ क्योंकि यहाँ पांच, पांच का स्क्वायर पच्चीस, तीन तीन का स्क्वायर तैतालीस, रूट ऑफ 43। देखो यहाँ पे एडी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है ठीक, तथा देखो एबी जो है वो किसके बराबर है, सीडी के बराबर, तो एबी इक्वल टू सीडी। जब ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं और इसको हम क्या बनाएंगे, अगर चतुर्भुज बनाएंगे ठीक ना, तो चतुर्भुज में ये होंगे आमने सामने की भुजा, जैसे एबी सी डी, देखो एबी और सीडी आपस में बराबर है ठीक ना, और एडी और बीसी आपस में बराबर है, तो लिख दिया अतः एबीसी डी ए समांतर चतुर्भुज है ठीक है, सिंपल है। वीडियो देखना बाद नहीं, बाद में जाके तो पूरी बाद नहीं, बदतमीजी नहीं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 और 3, 2, -1 से समदूरस्थ है ठीक है ना, समान दूरी पर। तो मान लेते हैं एक ऐसा बिंदु, माना बिंदु P x, y, z दोनों बिंदु से एक बिंदु रेखा है 1, 2, 3 और दूसरा बिंदु रेखा है 3, 2, -1 कह रहे कि P जो है वो A और B से समान दूरी पर है, A जो है P जो है वो A और B से क्या है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर ठीक ना, सेम डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP बराबर क्या जाएगा BP, AP और BP आपस में क्या चाहिए बराबर, तो इसका मतलब AP का स्क्वायर बराबर बराबर होगा किसके, BP का स्क्वायर होंगे, इसको अगर देखें दोनों साइड इक्वेशन में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, ए और पी के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, एक्स माइनस प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर कर रखा है इसलिए रूट नहीं आएगा, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया ठीक। अच्छा बराबर बीपी, बी और पी के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वन है तो माइनस का जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, यहाँ सब लगेगा, इसमें भी लगाएंगे तो यह वाई स्क्वायर प्लस चार माइनस का चार एक्स, इसमें भी लगाएंगे प्लस जेड स्क्वायर प्लस का नौ माइनस का सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस नौ प्लस प्लस माइनस का माइनस तीन दिन छह सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर और माइनस का फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस टू प्लस है देखो एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार डाला, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मारा, जेड स्क्वायर ने जेड स्क्वायर को मारा, दोनों सेम साइन में है, इधर भी प्लस का ही है इधर भी माइनस का, इधर लिया होगा तो माइनस का जाएगा इसलिए कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का टू एक्स, ये बचेगा माइनस का फोर वाई, ये बचे माइनस का सिक्स जेड, अब वो एक चार और नौ दस, अच्छा कितना जाएगा चौदह, अच्छा माइन अब इसको उठा के इधर ले आना, देखो सिक्स एक्स माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, देखो फोर वाई माइनस का है प्लस का हो जाएगा, जेड जो है वो माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और वो नौ और चार और एक कितना जाएगा चौदह,
प्लस का 14 होगा, 9 और 1 10 और 4 14 ये हो गया, ठीक है 14 जो है ना प्लस का होगा, बराबर किधर लाएंगे उठा के, तो माइनस का 14 बराबर 0, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 6 माइनस 2 4x 4 बाई 4 बाई, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बचेगा 6 और माइनस का 2, तो माइनस का 8z इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर देना तो x माइनस 2z इक्वल टू 0। देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे कि बिंदु P से बने ऐसे समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी क्या करना है, समीकरण निकालना है जिनकी बिंदु A और B से दूरियों का योग 10 है। दूरियों का योग कितना है? 10 है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो AP के बीच की दूरी प्लस BP के बीच की दूरी टोटल कितना है? 10 है, अच्छा ठीक। एपी की बीच की दूरी और बीपी की बीच की दूरी कितना है? निकाल लेंगे फिर जोड़ेंगे फिर उनके बराबर 10 रखेंगे, तो एपी बराबर हो जाएगा 10 माइनस बीपी, एपी इक्वल टू जाएगा 10 माइनस बीपी, ठीक है ना। एपी निकाल दो रूट ऑफ दो 4 माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 तो क्या बचेगा बाई जेड माइनस 0 तो क्या बचेगा जेड का स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस बीपी, बीपी कितना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस दो बाई माइनस 0 ठीक है बचेगा बाई का स्क्वायर जेड माइनस 0 तो प्लस जेड का स्क्वायर का, ठीक है ये जाएगा। दोनों पक्षों में क्या करते हैं? वर्ग करते हैं दोनों, इस वाले रूट से इस वाले रूट भी तो बढ़ नहीं 10 है ना यहाँ पे 10 माइनस में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर देंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या जाएगा इसका कैंसिल आएगा, लिख नहीं रहे हम इसको नहीं लिख रहे ठीक है, जेड का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का क्योंकि यहाँ पे किसमें माइनस में टर्म्स दे रखा है। अब तो यहाँ पे अगर इसको a मान ले इसको b मान ले तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, लेकिन सर बहुत लंबा आया ठीक है तो कोई बात नहीं लंबा ही होगा इसका, तो इसको सॉल्व कर लेना पहले, इसको सॉल्व करोगे तो अगर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 माइनस का 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर निकाल देना तो 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100 प्लस इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर होगा तो इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अरे बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा बचेगा एक्स प्लस 4 तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर खोल देना तो यार एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तो क्या पूरा बी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2 गुणा 10 और रूट ऑफ कितना एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे बस समझे मतलब ये हमारा देखो ये हो गया ए स्क्वायर ये हो गया हमारा बी स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा पूरे का माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करना पड़ेगा होगा इसको सॉल्व वैसे नहीं कर सकते सॉल्व देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ठीक बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर देखो 16 से 16 भी कैंसिल हो जाएगा ये माइनस थे ये प्लस था ये हटेगा ठीक ना। अब 8x यहाँ पे 8x उसको उठा के ले आना तो इसको उठा के दल लिया माइनस चल इसको उठा के लिया इसको उठा के दल लिया और 8x को उधर भेज दे तो इसको उठाएंगे यहाँ पे इधर ले आएंगे और इसको उठा के यहाँ से इधर ले जाते हैं ठीक। तो यहाँ पे देखो इसको उठाओ तो ये जाओ 20 रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा अच्छा बराबर देखो 100
प्लस का देखो आठ एक्स ये हो गया और आठ एक्स इसको इधर ले आएंगे तो आठ और आठ कितना जाएगा 16x हो जाएगा कितना जाएगा 16x हो जाएगा ठीक। अब इसका यहाँ पे रूट है ये वाला टर्म्स है तो इसका अगेन क्या करते हैं वर्ग वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे ठीक है। तो इसका वर्ग करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 20 ठीक रूट देखो इसका वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग कितना जाएगा 400 ठीक। इसका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग से रूट क्या जाएगा कैंसिल सूत्र खोल देना इसमें तो एक्स का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो यह आएगा 100 प्लस 16x का होल स्क्वायर आएगा पूरे का स्क्वायर वही अच्छा 400 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो 400x स्क्वायर प्लस 16 चौक 64 तो 6400 प्लस 8 चौक 32 तो कितना आएगा ये 3200x प्लस 400y स्क्वायर प्लस 400z का स्क्वायर बराबर इसका सूत्र खोल देना तो कितना आएगा 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 10000 कितना आएगा 10000 प्लस 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16 56 200 x स्क्वायर प्लस 2ap तो 16 दो ना 32 और 100 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 3200x ठीक है। यहां पे हमने a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ap इसको उठा के डाल लिया हूं तो देखो चार कितने हैं 400x स्क्वायर में से 256x स्क्वायर घटा दो ठीक है ना। देखो यहां पे 3200x है यहां पे भी कितना 3200x ये भी प्लस का ये भी प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट कर दो 400 में से 256 घटा दो कितना आएगा 144 कितना आएगा 144 तो 144x स्क्वायर क्या बचेगा प्लस 400y स्क्वायर प्लस 400z स्क्वायर ठीक ना 10000 में से 64 से घटा दो तो कितना आएगा 3600 कितना आएगा 3600 किसमें आएगा माइनस का तो 3600 बराबर 0 इक्वेशन डिवाइड हो रहा है किससे 12 12 से हो जाएगा नहीं होगा 400 नहीं कटेगा 400 नहीं कटेगा 2 से कट सकता है 2 से होगा लेकिन 2 से बड़ी संख्या 4 से कटेगा कट सकता है चार से कट जाएगा कट जाएगा चार से काट चार से भाग कर दो इसको तो कितना आएगा 4 3 12 अच्छा 24 36 तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर प्लस 100 जेड स्क्वायर माइनस का 900 इक्वल टू देख फिर चार से कटेगा कटेगा चार से काट दो इसको चार दिन 36 20 y स्क्वायर प्लस 20 y स्क्वायर प्लस 20 जेड स्क्वायर चार इसको काट दो चार दो ना आठ बचे कितना 1 10 चार दो ना आठ बचे कितना 2 20 इक्वल टू 0 ये हमारा 20 नहीं 25 होगा 25 चौका 100 अच्छा 25 चौका 100 होता है ना यस सर तुम लोग तो कह रहे हो 20 नहीं सर वो भटक गया था मैं भाग रहा हूं बैठा ठीक आओ ना हमारा समीकरण किसका समीकरण होगा ये समीकरण होगा समीकरण है वृत्त का समीकरण क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में आता है वृत्त में आता है जेड आ गया तो वृत्त नहीं बनेगा ये बनेगा हमारा गोला बनेगा बस अब मजे की बात हुई ना अब आया ना गलत आंसर बिल्कुल गलत आया था जी 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² और माइनस में बिल्कुल सही 225 = 0